दोस्तों आपने लाइफ में कभी ना कभी कार्टून्स तो लाजमी देखे होंगे और बचपन में तो हम में से ऐसे कई होंगे जो इन करेक्टर्स को रियल भी समझते होंगे, जबकि इनकी शक्ल जस्ट वर्चुअल और ग्राफिक्स का कमाल होता है और इनकी शक्ल का ऐसा कोई करेक्टर रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही लोगों से मिलवाएंगे जिनकी शक्ल हूबहू मशहूर कार्टून करेक्टर से मिलती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10 श्रेक। दोस्तों 2001 में रिलीज होने वाली इस अमेरिकन मूवी के मेन करेक्टर का नाम श्रेक था, जो जस्ट ग्राफिक के हेल्प से बनाया गया एक कार्टून था, मगर इस कार्टून करेक्टर की शक्ल जर्मनी के एक अर्ली 19 के रेसलर जैसी थी। मूवी रिलीज होने से पहले जर्मनी के इस रेसलर को कोई जानता तक ना था, मगर मशहूर कार्टून जैसी शक्ल होने की वजह से उनकी बहुत पुरानी वीडियो क्लिप्स और पिक्चर काफी वायरल हो गयी। इस आदमी की शक्ल वाकई में श्रेक कार्टून जैसी थी और ये अपने टाइम का एक अच्छा रेसलर भी माना जाता था। नंबर 9 एडना मोड। दोस्तों एडना मोड मशहूर फिल्म दी इनक्रेडिबल में आने वाली करेक्टर का नाम है और इस मूवी में इस लेडी को ब्लैक चश्मे, छोटी हाइट और ब्लैक हेयर के साथ ग्राफिक लुक दी गई है, जो मूवी में एक फैशन डिजाइनर का रोल कर रही हैं। मगर इस करेक्टर की शक्ल रियल लाइफ में एक अमेरिकन टीवी स्टार जैसी है। इस लेडी का नाम लिंडा हंट है, जो कई अमेरिकन मूवीज और टीवी सीरियल में भी आ चुकी है और इनकी शक्ल एग्जैक्टली एक कार्टून करेक्टर जैसी ही है। नंबर 8 फ्लैश। दोस्तों फ्लैश एनिमेटेड मूवी ज़ूटोपिया का एक बहुत ही सुस्त और फनी करेक्टर है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली एनिमेटेड मूवी भी है और इस मूवी के मेन करेक्टर फ्लैश का नाम ही जस्ट फ्लैश है, क्योंकि ये कार्टून मूवी में एक बहुत ही सुस्त और फनी दिखाया गया है। मूवी रिलीज होने के बाद इस कार्टून करेक्टर के लोग इतने फैन हुए कि कई लोगों ने इसके फनी एक्सप्रेशन कॉपी भी करने की कोशिश की, मगर चाइना की नासू नामी इस लड़की ने सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन के साथ साथ इसकी लुक बिल्कुल इसी कार्टून करेक्टर जैसी ही थी। इस लड़की की आंखें, नाक, स्माइल, लता के हेयर स्टाइल भी कार्टून करेक्टर जैसा ही था। इसकी शक्ल तो वाकई में इस कार्टून करेक्टर जैसी ही है। नंबर 7 मदर गोडल एंड रपुंजल। दोस्तों मदर गोडल एंड रपुंजल डिजली की फिल्म गोडल की दो करेक्टर हैं। इस मूवी में दोनों कार्टून करेक्टर मलका और शहजादी का रोल कर रही हैं। मगर रियल लाइफ में दोनों कार्टून करेक्टर की शक्ल मशहूर मॉडल डोना मर्फी और अंजलिका ऑस्टन जैसी हैं। मूवी रिलीज होने के बाद जब फैंस ने इन दोनों मॉडल्स को देखा तो सब शॉक्ड हो गए, क्योंकि ये दिखने में एग्जैक्टली कार्टून करेक्टर जैसी ही है। मूवी रिलीज होने से पहले डोना मर्फी के हेयर ब्लैक बिल्कुल नहीं थे, मगर फेम और मशहूर होने के लिए उन्होंने अपने बाल कलर करवाए ताकि वो एक कार्टून करेक्टर जैसी दिख सकें। नंबर 6 मोआना स्कॉपी। दोस्तों ये एनिमेटेड मूवी 2016 में रिलीज की गई, जिसमें एक डार्क स्किन और करली बालों वाली लड़की एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड पर रहती है। मूवी रिलीज होने के बाद इस कार्टून करेक्टर के लोग इतने फैन हुए कि कई लोगों ने रियल लाइफ में इस जैसा बनने की कोशिश भी की, लेकिन अमेरिका की स्यापोश लड़की ने सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये दिखने में एग्जैक्टली मोना कार्टून जैसी ही है। इनका फेस, स्किन कलर, इवन के बाल भी बिल्कुल इसी कार्टून करेक्टर की तरह है। नंबर 5 ट्रू डारिया। दोस्तों ट्रू डारिया भी कार्टून शो की मेन करेक्टर हैं और इस शो में ये कार्टून करेक्टर एक लेजी स्कूल स्टूडेंट का रोल करती हैं। और अगर रियल लाइफ में इस कार्टून करेक्टर की कॉपी की बात करें तो इसकी शक्ल अमेरिकन फिल्म स्टार ओबरे प्लाजा से बहुत ही ज्यादा मिलती है। इस फिल्म स्टार के बाल, ग्लासेस, इवन के ड्रेसिंग भी इसी कार्टून करेक्टर से बहुत ही ज्यादा रिजेंबलेंस रखती है। नंबर 4 सिड फिलिप। दोस्तों सिड फिलिप एक एनिमेटेड मूवी दी टॉय का कार्टून करेक्टर है। इस मूवी में यह कार्टून करेक्टर एक ऐसा लड़का है जिसे बहुत सारे टॉयज रखने का बहुत शौक है और इस कार्टून करेक्टर की रियल लाइफ में शक्ल मशहूर इंग्लिश फिल्म स्टार विल पोल्टर से बहुत मिलती है। विल पोल्टर के फैन ने जब ये चीज उन्हें रियलाइज करवाई की उनकी शक्ल एक कार्टून करेक्टर जैसी है, तो उन्होंने अपने फैंस को खुश करने के लिए इसी कार्टून करेक्टर की कॉपी करके पिक्चर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। नंबर 3 रैंडम कार्टून। दोस्तों अब इंटरनेट से ली गई इन पिक्चर्स को देखें जिनमें ये लोग बिल्कुल किसी कार्टून करेक्टर की तरह लग रहे हैं। नंबर 2 हार्ले क्वीन। दोस्तों अगर आप बैटमैन मूवी के फैन हैं तो हार्ले क्वीन को अच्छी तरह से जानते होंगे। हार्ले क्वीन डीसी यूनिवर्स के मशहूर विलन जोकर की सेक्रेटरी का रोल है, मगर हार्ले क्वीन की ये लुक 1992 में चलने वाले कार्टून से इम्प्रेस होकर ली गई। हार्ले क्वीन का करेक्टर यूं तो 2007 में डीसी यूनिवर्स की बैटमैन मूवी से इंट्रोड्यूस करवाया गया, मगर इनकी लुक 1992 में चलने वाले इस कार्टून के करेक्टर से कॉपी की गई और दिखने में ये कार्टून और बैटमैन मूवी की हार्ले क्वीन बिल्कुल एक जैसी सी है।
नंबर वन क्रिस ग्रिफिन। दोस्तों मशहूर कार्टून कैरेक्टर क्रिस ग्रिफिन को कौन नहीं जानता। ये एक कार्टून शो का बहुत ही क्यूट और फनी सा कैरेक्टर है और रियल लाइफ में इनकी शक्ल अमेरिका के एक कॉमेडियन ब्रूस वेलेंस से बहुत ही ज्यादा मिलती है। ब्रूस वेलेंस रियल लाइफ में इस कार्टून से बहुत ही ज्यादा रिजेंबलेंस रखते हैं। इनका हेयर स्टाइल और स्माइल एग्जैक्टली इस कार्टून कैरेक्टर की ही कॉपी है। दोस्तों ये तो थे दुनिया में मौजूद 10 ऐसे लोग जिनकी शक्ल कार्टून से बहुत ही ज्यादा मिलती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक फी इमानिल्ला।